उदासी थाना शीशगढ़ तहसील मीरगंज में रमजानी पुत्र नबी बख्श के मकान में लगभग 25 वर्षों से गांव के लोग नमाज परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, जो थाने के रजिस्टर में भी दर्ज। फिर दोबारा 14/8/2018 को थाना परिसर में मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी ने की और राजनीति का दबाव में क्षेत्र अधिकारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से शक्ति के साथ बदसलूकी की कि किसी भी सूरत में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, यदि नमाज पढ़ने की कोशिश की गई तो मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया जाएगा। 31/8/2018 को नमाज पढ़ाने वाले गांव के ही इमाम मोहम्मद अहमद पुत्र रमजानी की हल्का इंचार्ज देवानंद ने 151 चलान। क्या मामला बता दीजिए। मामला ये है कि हम अपने गाँव भोड़ासी में थाना शीशगढ़ में लगता है, उससे हम 25 साल से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, जो थाने के रजिस्टर में भी दर्ज है। अब हम लोगों ने पिछला जुमा पढ़ा तो वहाँ दरोगा जी पहुँचे, पहुँचने के बाद नमाज के फौरन बाद उन्होंने 151 में मेरा चालान कर दिया। इसलिए हम आए यहाँ, जब हम 25 साल से पढ़ रहे हैं, रजिस्टर में भी दर्ज है, तो हम क्यों रोका जा रहा है। मामला ये क्या कहते हैं दरोगा जी? दरोगा जी कहते हैं कि यहाँ नमाज मत पढ़ो, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाए। कौन से दरोगा जी हैं? दरोगा जी नमाज के मस्जिद में पढ़ी जाती है, घर में जी मस्जिद घर में है नमाज या मस्जिद में है? नमाज एक मकान है। अच्छा, उसी मकान में कायम है, 25 साल से उसी में पढ़ते चले आ रहे हैं। कौन सा थाना है आपका? शीशगढ़ थाना।